कैसे हो आप लोग छोटे? सब बढ़िया ना? वैसे आज आपका 4 मई है और आज हम लोग जो है अनुचित समुच्चय, जिसको हम लोग प्रॉपर सेट कहते, अगेन अधि समुच्चय जिसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ढेर सारे एग्जाम्पल आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन एक जो हम लोग अधि समुच्चय क्या होता, उचित समुच्चय क्या होता, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम लोग जो हम लोग आसपास अपने सामान को देखते हैं ना, उससे पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर जाकर के हम लोग विथ सेट विथ एग्जाम्पल, तब जाकर के हम लोग वहां से भी समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिख रहा, अरे पिछले बार तो हम लोग मोबाइल के कवर से ना सीखे थे, आज भी मोबाइल के कवर से ही सीख लेते क्या? ये मेरा प्यारा सा मोबाइल कवर जो है ना, आपको बहुत सारी चीजों को सिखाएगा क्या? ये आपके लिए गुरु का काम कर देगा। यहाँ ध्यान दो, हम अपने मोबाइल कवर को एक सेट मान लेते हैं। चलिए, एक सेट मेरा मोबाइल कवर बन गया है। ठीक, इसके अंदर हम कुछ सिक्का को रखने वाले हैं। भैया जी कुछ सिक्का रख लीजिए। चलिए, एक सिक्का। मेरे पास सिक्के की भी कमी नहीं है। आपके भाई के पास इतने सिक्के हैं ना, इतने सिक्के हैं, आपने सोची ना होगी। हाँ जी, चलिए इसके अंदर जो है, ना ना ना, सब एक रंग का सिक्का रखना है। हटाओ इसको, सारा का सारा सिक्का एक रंग का। इस 1 रुपए के भी सिक्के को हटाओ। भैया जी कितना सिक्का रखते हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए माम, ये जो हमारा सेट है, इस सेट के अंदर 4 सिक्के रखे हुए। कितना सिक्का? 4 सिक्का रखा हुआ है। ठीक, इस सेट के अंदर 4 सिक्का रखा हुआ है। अगर समझने का प्रयास करोगे ना अच्छे ढंग से, तो सारी बातें अच्छे अच्छे ठीक ठाक आप समझ पाओगे। इस सेट के अंदर, इसको हम लोग समुच्चय कहेंगे, हिंदी में समुच्चय कहें और इंग्लिश में इसी को हम लोग सेट कहते हैं। इस सेट के अंदर जो है 4 एलिमेंट रखा हुआ है, 4 सिक्का रखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करना, इससे छोटा क्या क्या हम लोग सेट ले सकते हैं उसको सोचेंगे। इससे बड़ा नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें भी 4 सिक्का है, इधर इससे हम लोग इसी का एलिमेंट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं इसमें 4 सिक्का है, अब यहाँ पर 5 सिक्का आ जाएगा, ये 5वां सिक्का कहाँ से आएगा? नहीं हो सकता ना, मतलब या तो 4 सिक्का ही होगा या तो उससे कम सिक्का होगा। अच्छा, हम लोग कौन कौन सा सेट बना सकते हैं अभी, अगर हमारे पास 4 सिक्का है तो? भैया जी एक काम कर सकते हैं क्या, या तो आप सारे सिक्के को निकाल लीजिए, तब एक सेट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही, चलिए एक सेट तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई भी सिक्का नहीं है। ठीक, इस सेट में कोई भी सिक्का नहीं, इसको सिक्का को भी नीचे रखते हैं। ठीक, ये एक तैयार हो गया। हाँ भैया जी, दूसरा और सेट कौन सा तैयार कर सकते हैं? दूसरा सेट, इसमें हम एक सिक्का डाल दिए, एक सिक्का डाल दिए। हाँ, ये दूसरा सेट तैयार हो गया। ठीक, तीसरा सेट कौन सा तैयार कर सकते हैं? इसमें हम एक और सिक्का डाल दिए। देखिए, तो ये आपका तीसरा सेट तैयार हो गया। और क्या भैया सेट तैयार कर सकते हैं? अभी तो 2 सिक्का नहीं डाले हैं, मेरे पास 4 सिक्के हैं। तेरे भाई, मतलब आपके भाई के पास इतने सिक्के हैं ना, आपने सोची ना होगी। भैया जी आपके पास तो 4 ही सिक्का है, और कहाँ सिक्का है? अभी ध्यान से समझो, मजाक बाद में करना है। इसमें अब हम लोग 2 सिक्के मतलब एक और सिक्का डाल दिए, तो अब कितने सिक्के हो गए? भैया जी जानत है, इसमें अब 3 सिक्का हो गया है। देखिए, अब 3 सिक्का हो गया, एक और सिक्का डाल देते हैं। जी, एक और, इससे भी अधिक सिक्का डाल सकते क्या? ना भैया जी, क्योंकि आपके पास तो 4 ही सिक्का है। इसी से हम बहुत सारा सेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेट बना है जिसमें 1 भी सिक्का नहीं था, दूसरा सेट बना है जिसमें 1 सिक्का था, तीसरा सेट बना है जिसमें 2 सिक्का था, चौथा सेट बना है जिसमें 3 सिक्का था, और 5वां सेट बना रहे हैं जिसमें 4 सिक्का है। आपको दिख रहा है सिक्का? हाँ भैया जी, सिक्का तो दिख रहा है, जिसमें 4 सिक्का है वैसा सेट बना दी। अब जानते हो क्या, ये आपका हूबहू दिख रहा है। हाँ भैया जी, हूबहू दिख रहा है। इससे छोटा कौन कौन है? भैया जी इससे छोटा ये सब है, यहां से लेकर के यहां तक इससे छोटा है, जो मैंने घेरा हुआ है वो इससे छोटा है। देखो, इससे सब छोटा दिख रहा है, इसमें 4 सिक्का है, इसमें 3 सिक्का, 2 सिक्का, 1 सिक्का और 0 सिक्का है। इसी को हम लोग कहते हैं उचित समुच्चय। बोलो, देखो सिर्फ नाम आपको ध्यान रखने में परेशानी हो सकता, बाकी समझने में परेशानी ये मैं होने ही दूंगा। हाँ जी, इसको हम लोग कहते हैं उचित समुच्चय। हाँ भैया, इसको तो हम लोग उचित समुच्चय कहे, इस नाम को अभी तुरंत आप समझ के अच्छे से समझ लो। उचित समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर सेट। भैया जी प्रॉपर सेट कहते हैं? हाँ जी, ठीक, प्रॉपर सेट कहे। और ये जो बचाना है केला, जाइए मेला और खाइए बहुत सारा जलेबी और केला। अब इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अधि समुच्चय। सिर्फ नाम ध्यान में रखना, ठीक है, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अधि, मतलब क्या हो? अधिक से अधिक क्या आप सेट ले सकते हो? ये सेट है आपके सामने, इसका हम लोग यहाँ पर उप समुच्चय बनाए हैं, सुपर सेट बनाए हैं।
मतलब इसी से एलिमेंट लेकर के हम लोग बहुत सारा यहाँ पर सेट बनाए हैं, इसी का नाम हो गया सुपर, मतलब सब सेट। सब सेट किसको कहे, इस सेट के एलिमेंट से हम लोग क्या गिरा, हाँ इस सेट के एलिमेंट से जो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सेट को बनाए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सब सेट, अर्थात हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय कहते हैं। इन सारे उप समुच्चय में जो इससे छोटा होगा उसको कहेंगे उचित समुच्चय, और जो इसके बराबर होगा उसको कहेंगे अधि समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर सेट। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। एक लास्ट बार मैं समझाता हूं, ध्यान पूर्वक समझना ठीक है, एक लास्ट बार सुनिए। ये अभी इसमें चार सिक्का था, हाँ भैया जी चार सिक्का था, इसको हम लोग कहे सेट ठीक, इसको हम लोग क्या कहे सेट। इसी चार सिक्के के हेल्प से हम यहाँ पर बहुत सारा सेट बनाए हुए हैं, ये सब अपने आप में सेट है, अपने आप में ये समुच्चय है ना। अब इस समुच्चय को हम लोग कहे सब सेट, क्योंकि इसी के एलिमेंट से सारा का सारा सेट बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर सिक्का है, हम यहाँ पर जो है अंडा ले लिए वो काम तो नहीं कर रहे ना, ये सारा का सारा सिक्का ही है। मतलब जो एलिमेंट इसके पास है उसी एलिमेंट से यहाँ पर सारा का सारा सेट बना हुआ है, इसलिए इन सारे सेट को हम लोग सब सेट कहे। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट इससे अलग होता तो ये मेरा सब सेट नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयास करो ठीक है। सब सेट समझ गए, जिसको हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं। हाँ भैया जी, अब इस सब सेट का प्रकार है, सब सेट दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार कौन सा है, उचित समुच्चय अर्थात प्रॉपर सेट, मतलब जिसमें सेट के एलिमेंट से कम एलिमेंट हो। इसमें चार सिक्का था, चार सिक्का से जिसमें जिसमें कम होगा वो सब मेरा उचित समुच्चय कहलाएगा। और उप समुच्चय का दूसरा प्रकार है अधि समुच्चय सुपर सेट, मतलब जो हूबहू बराबर होगा, मतलब मैक्सिमम कितना सेट का आप ले सकते हो, ये मेरा सुपर सेट कहलाया ठीक है। इस बात को समझना सीखो। अब इसी को भैया जी आप बोलोगे, थोड़ा सा चतुर दिमाग लगाओगे तो बोल सकते हो, भैया जी एक बात बताइए, वहां सेट में मेरा चार सिक्का था ठीक, ये मेरा सेट था, और यहाँ सुपर सेट में भी चार एलिमेंट है, हाँ दोनों तो बराबर ही दिख रहा ना, इसको हम लोग समान समुच्चय भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हो समान समुच्चय, क्योंकि ये समान है, ये समुच्चय जो है समान है, तो बोल दिए समान समुच्चय। ये समुच्चय जो इससे छोटा है इसलिए बोल दिया उचित समुच्चय। अब यहाँ पर एक मिनट का मैं समय लूंगा आपको, आप जो पढ़े हुए हो ना, मैं वही चीज बताने का प्रयास करता हूँ। भिन्न हम लोग जो है उचित भिन्न किसको कहते थे, याद करो पहले हम लोग पढ़े हुए उचित भिन्न किसको कहते थे, जब मेरा जो है अगर याद आएगा तो बोल रहा है, जब मेरा अंश जो है हर से छोटा होगा तब जाकर के उसको हम उचित भिन्न कहते थे, याद पर वही चीज तो यहाँ पर है। इस समुच्चय से छोटा जो समुच्चय होगा उसको हम लोग उचित समुच्चय कहे, प्रॉपर सेट कहे। हाँ भैया जी बातें तो समझ में आ गई। और जो इसके बराबर रह गया इसको अधि समुच्चय कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे ठीक है। और ये हमारा सब सेट हो गया ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल जितना हम लोग पढ़े हुए हैं उस पर ढेर सारे क्वेश्चन को पहले करेंगे। एक और, आप इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए हो, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया काफी कुछ आपने सीखा, लेकिन अगर मैं एक चीज पूछूं शायद आप बोलोगे भैया ना हमसे ना बनेगा। क्या कभी ये सोचे हो कि कोई भी सेट आपको दिया हुआ रहता उससे आप कितना सब सेट बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक सेट दिया हुआ था, इसमें सिक्का ना दिया गया, सारा का सारा एलिमेंट एक जैसा था। अगर आप सही मायने में पढ़े होते ना तो आप तुरंत बोलते भैया जी ये आपका सेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट एक जैसा ही है। क्योंकि सेट के अंदर कोई भी आप सेट लीजिएगा, देखो ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब हम लोग किताब के ऊपर आते हैं, अब ध्यान से देखो आखिर ये गलत किस प्रकार है, जो हम लोग सीखे वो अभी गलत सीखे। क्या गलत सीखे, कि कोई भी सेट होता है ना, कोई भी सेट होता है उसके अंदर कभी भी सेम एलिमेंट नहीं आता। ये हम लोग पहला क्लास में ही सीखे थे, सेम तरह का एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे कि ऐसा कभी नहीं होगा 2.2, ये कभी नहीं हो सकता, उसके बदले में 1 ही 2 आएगा, सेम रिपीट नहीं करता इसने। और यहां पर हम क्या करें, सिक्का 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 सेम रिपीट कर दिए। अब आप बोलोगे भैया ये आपको पता है सिक्का है, ये हमको पता है सिक्का है, हम इसको अब अंडा मानव, इसको बॉल मानव, इसको बुल्ली मानव। हाँ अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन नहीं। अब ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्या कि सेट के अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आता है ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होगा,
और तब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी सेट से कितना सबसेट हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सबसेट था। अब कोई भी सबसेट, कोई भी सेट लेंगे, सेम एलिमेंट का सेट नहीं लेने वाले। अब हम लोग समझने के लिए इस उचित समुच्चय को, इस अधि, मतलब ये जो अधि समुच्चय है, सुपर सेट है और ये सबसेट है, इस सब को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा, थोड़ा देर जो हम लोग आसपास में जो देखते हैं ना, उसके आधार पर एक एग्जांपल ले लिए थे। इसलिए कभी घबराना मत भैया जी, सारा का सारा एलिमेंट आप सेम ले लिए थे, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या क्या मिटाने वाले हैं। ये मिटेगा, ये मिटेगा, ये मिटेगा। हाँ भैया जी, ये मिट गया, ये सब मिट गया। मैं पूछूंगा अभी, भैया जी क्यों पूछते हैं आप? देखिए अब हम लोग अलग अलग एलिमेंट कैसे लेते हैं। इसके अंदर भी मैं सिक्का ही लेने वाला, मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ गलत चीजें भी जो है ना सही बात सिखा देती है, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। देखिए अब जो है सिक्का को हटा, अब अलग अलग प्रकार का सिक्का लेंगे। 1-2 रुपए का सिक्का ले लेते हैं, 1-1 रुपए का सिक्का ले लेते हैं, 1-10 रुपए का सिक्का। चलिए तीनों अलग अलग है इस बार। भैया जी कहाँ जा रहे हो अभी? आपका नमन जूस खाना है मुझे, ठीक है, अभी आपको रुकना है छोटे, आज सब में ये सिक्का बटेगा। यहाँ ध्यान दो। अब देखो इसके अंदर 3 प्रकार का सिक्का है। कौन कौन? 1 है 1 रुपए का सिक्का, 1 है 2 रुपए का सिक्का, 1 है 10 रुपए का सिक्का। चलिए अब जो है इन 3 सिक्के से बारी बारी से हम लोग यहाँ पर सबसेट लिखेंगे, मतलब इसी से कौन कौन सा एलिमेंट, मतलब बारी बारी से एलिमेंट लेंगे और एक सेट बनाने का प्रयास करेंगे। चलो अब बारी बारी से हम इस सिक्के की सेट लेते हैं। पहला हम लोग सेट बना, मतलब इससे जो है ना कितना सेट बनेगा पता है आपको? देखिए 1, 2 हट जाना, 3, 4, 5, 6 कहाँ लिखे, ये सब सबसेट है ना, 7, एक और बनेगा 8, ये सारा का सारा सबसेट है अर्थात उप समुच्चय भैया, जिससे 8 केस बनने वाला। हाँ 8 केस बनने वाला है, कैसे जान ले भैया 8 केस बनने वाला है? ये सारी बातें आज मैं सिखाने वाला हूं आपको, घबराओ मत, ठीक है। देखिए मेरा पहला केस हो सकता है हम जो है 1 रुपए का सिक्का ले लें, 1 रुपए का सिक्का लेंगे तो 1 मेरा सेट बन गया। देखिए इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का नाना भी, आप दूसरा लीजिए, दूसरा कंडीशन लीजिए। पहले हम लोग 1-1 सिक्का लेके चलेंगे, फिर 2-2 सिक्का लेंगे, फिर 3-3 सिक्का लेंगे, ठीक। पहले हम लोग 1 सिक्का लिए, 1 रुपए का सिक्का, फिर देखो फिर दूसरे सेट में हम लोग 2 रुपए का सिक्का लिए, हाँ भैया 2 रुपए का सिक्का, फिर तीसरे सेट में हम लोग 10 रुपए का सिक्का लिए, ठीक 10 रुपए का सिक्का लिए, सबसे 1-1 सिक्का लिए, हाँ 1-1 सिक्का। अब 2-2 सिक्का लेंगे, अब हम लोग 1 और 2 रुपए का सिक्का बारी बारी से लेंगे ना, तब ना मजा आएगा, फील आएगा। अब इसके अंदर 1 रुपए और 2 रुपए का सिक्का लिए, हाँ भैया जी 1 रुपए और 2 रुपए का सिक्का, इस दोनों को साथ में लिए। अब हम लोग 1 रुपए और 10 रुपए का सिक्का लेंगे, हटा 2 रुपए को, अब 10 रुपए का लेना है, ठीक 1 रुपए और 10 रुपए का सिक्का लिए। देखो ना किस प्रकार से हम लोग सबसेट बना रहे हैं, फील करो, ठीक है ना, इस सबको आप महसूस करने का प्रयास करो। ये हो गया, अब हम लोग 2 रुपए और 10 रुपए का सिक्का लेंगे। देख लो हम लोग रिपीट नहीं करते लेकिन क्रम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना भैया जी 1 रुपया 10 रुपया लिया, अब हम लोग जो है 10 रुपया और 1 रुपया लेंगे, ऐसा मत सोचना। 1 रुपया 10 रुपया ले लिया, हो गया 10 आगे पीछे हो सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो 1-2 ले लिए, 1 और 10 ले लिए, अब 2 और 10 लेंगे, 2 रुपए का सिक्का कहाँ गया? देखिए 2 रुपए और 10 रुपए का एक और सेट क्रिएट करेंगे, ये सिंगल सिंगल का, हाँ ये सिंगल सिंगल का आपका सेट बना, ये डबल डबल का सेट बना, अब ट्रिपल का हम लोग सेट बनाएंगे। एक बार हम लोग तीनों सिक्का को लेंगे, भैया जी तीनों सिक्का ले लीजिए, चलिए तीनों सिक्का ले लीजिए, 1 रुपया 2 रुपया और 10 रुपए का, एक इतना तो हो गया। अब बताओ आपको बताना है एक कौन सा बच गया है, सोचो तनिक दिमाग लगाओ, हाँ दिमाग बनाना है, और कौन सा बच गया है भैया जी सोचिए तनिक। भैया जी जानते हैं हमका समझ में ही ना आवत है अब कौन सा बच गया, अरे हम लोग स्टार्टिंग से पहले क्लास से ये सीखते आ रहे हैं, हम एक भी सिक्का ना ले, 0 लेंगे, कुछ लेंगे ही नहीं इसमें, समझ में आया आपको? हाँ भैया जी ला 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 ला, हाँ जी समझ में आ गया, सिक्के को अब अपने वास्तविक जगह पर रखा जाए, अर्जा हाँ ठीक, यहाँ ध्यान दो, अर्थात इसमें जो है कितना, इस सेट से कितना सबसेट तैयार हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट तैयार हुआ है, ये सारा का सारा सबसेट है। इससे छोटा कौन कौन है भैया जी, इसको छोड़ करके ये सारा का सारा एलिमेंट इससे छोटा है, अर्थात ये सारा का सारा हमारा उचित समुच्चय है अर्थात प्रॉपर सेट है, ठीक। ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा अधि सेट है, सुपर सेट, अधि समुच्चय।
जिसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। हाँ भैया जी, इतना हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, एक बार फिर से समझाऊं या समझ गए हो? अगर समझ गए हो तो मैं आपको मात्र दो क्वेश्चन देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर जैसे हम लोग इसका एक दो और दस का इतना सारा सबसेट बनाए थे ना, बनाना कैसे सुन लो, बनाने का तरीका कैसे है वो सुन लो। क्वेश्चन बनाना कैसे है उसको देखो, इसको मैं मिटा, बनाने का तरीका मैं बता देता, बाकी आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन इस तरह लिखोगे, क्या क्वेश्चन था, एक था, दो था और दस था। यहां लिखोगे एक दो दस के सभी उपसमुच्चय, उप समुच्चय सबसेट। देखिए डेल्टे दोगे, अब यहां से आप बना सिर्फ इसको लिखना स्टार्ट करो, यहां से सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन क्या, सीधा डैश दे दियो, काम खत्म। अब इशारा आपको सबसेट लिख देना है, उप समुच्चय लिख देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप जो है इसी तरह का मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका बनाओगे। ठीक है, वैसे मैं आपको मिलाने ही वाला हूं। ठीक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको जो है तीन का, छह का और नौ का ये बनाना है, फिर आपको जो है सात का, चौदह का और बारह का, ये दोनों आपको बनाना है। ठीक, ये मेरे ख्याल से आप बना लोगे। या जी ये तो बना लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए अगर दो एलिमेंट रहेगा तो उसका किस प्रकार से हम लोग जो है सब सेट निकालेंगे वो देखना है। ठीक है, थोड़ा देर पंखा चला लिया जाए, कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रहा है ना, थोड़ा सा हम भी राहत ले ले इस गर्मी से। भैया जी आप पाउडर लगाइए, नाइसिल पाउडर पंखा। अरे पाउडर से क्या होगा, क्या ध्यान, अगर दो एलिमेंट रहेगा तो क्या करेंगे उसको सीखना है ना। ये सब आप खुद से बनाओगे, भैया जी जानते हैं एक बात, आप पहले हमको बोल दिए खुद से बनाने, मिलाएगा कौन, अरे ये समस्या मिलाएगा कौन। अरे भाई साहब मिला, एक नंबर का कौन कौन सा बनेगा, पहला बनाओगे तीन, फिर छह मिलाना है नौ, फिर तीन कोमा छह, फिर तीन कोमा नौ, फिर छह कोमा नौ, फिर तीन कोमा छह कोमा नौ, फिर आपका समुचे दो लो चार दो छो दो आठ बन गया, दूसरा नंबर मिला हो गया। मिलाना है आपको, ऐसा नहीं भैया जी हम ना मिला, हम तो छाप मतलब हम तो छापेंगे वो काम करना है, ये गलत बात। देखो मिलाना है आपको सात, पहले एक एक सिंगल सिंगल लेना है, फिर बारह, फिर दो दो करके सात चौदह, फिर सात बारह, फिर चौदह कोमा बारह, फिर तीन तीन करके कौन कौन है सात चौदह और बारह, फिर कुछ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में गाड़ा दो दो चार दो छह दो आठ, आठ आठ वो ही होगा, आठ वो ही क्यों हो रहा है भैया, इसके बारे में समझाइए। सुनिए आप ये कैसे अनुमान लगाओगे कि आठ ही होगा, मतलब ये कैसे आप बता सकते हो। सुनिए सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या करते हैं अंदर में अवयव की संख्या को गिनते हैं, इसके अंदर कितना अवयव है, एक दो तीन, तीन अवयव है, मतलब अगर अवयव की संख्या, ये अवयव हुआ, अवयव की संख्या कितनी है इसमें, या जी अवयव की संख्या अगर मान लो एन, कितना हो एन, तो मेरा उप समुच्चय की संख्या होती है, उप समुच्चय की संख्या होती है क्या होता है, दो पर पावर एन, ये फॉर्मूला दिखा था उधर, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक, मतलब उप समुच्चय की संख्या दो पर पावर एन के रूप में। भैया जी हमका ना समझ में आया, सुनिए इसमें तीन एलिमेंट था, कितना एलिमेंट था भैया जी, तीन एलिमेंट था इसके अंदर ना, आराम से एन का वैल्यू तीन रखें, यहाँ एन का वैल्यू तीन, कितना हो गया उप समुच्चय की संख्या दो पर पावर तीन था, दो गुना दो गुना दो, चार चार एलिमेंट निकला उप समुच्चय में, संख्या कितनी होती, तो सिंपल सा अवयव की संख्या चार है तो दो पर पावर चार हो गया, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, अर्थात सोलह सब सेट हम लोग बनाते अगर इसमें चार एलिमेंट रहता तो। इस प्रकार से अगर हमको अवयव की संख्या पता होगी हम लोग उप समुच्चय की संख्या निकाल सकते हैं। एक साथ एक काम करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन ही देते हैं आपको, पहले ये बाद में करेंगे, पहले आप उप समुच्चय की संख्या बताओ तो मैं 10 क्वेश्चन लिखता हूँ, 10 क्वेश्चन का आपको जो है उप समुच्चय की संख्या बतानी है, कितना मजा आ जाएगा, हाँ बहुत ही मजा आएगा। मैं फटाफट से क्वेश्चन उतारता हूँ, ओके देखो ध्यान से देखना है आपको, सबका आपको उप समुच्चय की संख्या बतानी है, अर्थात इसमें कितना कितना सबसेट बनने वाला है वो बताना है। भैया फिर से बोलिएगा क्या बोल, एक बात हाँ सुन लो, एक बात जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, जरूरी सूचना ये है कि हम लोग तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग डेली जो है ना स्टार्टिंग से पांच पांच क्वेश्चन जो है ना मैथ में बनाना स्टार्ट कर दो, मैं बोलूं या ना बोलूं कि आज बनाओ
कल बनाओ, वो सब नहीं, आपको पर डे किताब लेना है। हम लोग पढ़ाई करते चल रहे हैं ना आराम से, अब वहां से जितना मैंने बताया अगर नहीं बन रहा है तो वो मुझसे आकर के पूछना है आपको, इस बात को जानने का प्रयास करो। आप आराम से चैप्टर स्टार्ट करो, मेरे ख्याल से आपसे हर एक सवाल बनेगा, नहीं बनेगा मैं हूं ना, लेकिन पर डे आपको 5-5 क्वेश्चन बनाना है, पर डे समझ लो इतना सा, हर दिन आपको 5-5 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ये 5 क्वेश्चन आपको जो है ना मैथ का सरताज बना देगा, इतना ध्यान में रखना। ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत मामूली सा लग रहा होगा, लेकिन यही 5 क्वेश्चन आप निरंतर चलोगे, निरंतर आपको लगेगा वाह हम तो काफी मेहनत कर रहे हैं मैथ मैथ में, ठीक है ना। अब 5 क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसे मान लो चैप्टर 1.1 स्टार्ट हुआ, पहले नंबर में एक में ये है, दो में ये है, तीन में ये है, ऐसा नहीं इसको एक नंबर दो नंबर तीन नंबर गिनोगे, वो काम ही करना है आपको। एक नंबर में ये सब आ जाएगा, फिर दो नंबर में सब आएगा, तीन नंबर में सब आएगा, चार नंबर में सब आएगा, पांच नंबर में सब, इस तरह से आपको बनाना है 5 क्वेश्चन। क्या सोच रहे हो भैया, मजाक करते हैं? भैया बोल रहे हैं बनाने तो बनाना है, टेक चल जरूरी सूचना खत्म हो गई। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा अगर नहीं बनाओगे तो, मैं भूल जाता हूँ बोलने के लिए बार बार आपको क्लास में, कोई नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको डेली का डेली 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ आपको 5 क्वेश्चन डेली बना के लाना है और दिखाना है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। बनेगा तो मैं हूं ना, घबराइयो मत, मैं हर एक परेशानी को दूर कर लूंगा, ठीक है भैया जी। ये बताइए उपसमुच्चय की संख्या पहले खुद से ट्राई करना है, भूल गए क्या? हमारा मूल मंत्र है कि हम पहले खुद से ट्राई करेंगे तब भैया हम आपके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए आप कम से कम ट्राई किए होंगे, इसमें से 2-4 बन भी गया होगा आपसे, भैया जी 2-4 का पूरा बन गया, सिर्फ ये छोड़ करके, ये सब छोड़ करके, मैं है ना मैं बताएगा, यहां ध्यान दोगे। उपसमुच्चय की संख्या लिखनी है तो देखो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना से सबसेट्स है, 2 पावर n के रूप में, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, तो 2 पावर 4 अर्थात 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 8 × 16, इसमें 16 एलिमेंट हो गए। इसमें कितना उपसमुच्चय की संख्या, मैं यहाँ पर इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कम से कम सबसेट्स और उपसमुच्चय में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उपसमुच्चयों की संख्या मैं ये छोड़ दूं लिखना, भैया जानते हैं एक बात, आप छोड़िएगा ना तो हम भी छोड़ देंगे लिखना। उपसमुच्चयों की संख्या, ये आपका आदत जो है ना बहुत 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 ज्यादा ही खराब है, 2, 2, 4, 1, 5, 2 पावर 5 अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 32 हो गया, अर्थात इसमें उपसमुच्चय 32 होने वाले हैं। इसमें देखो तो उपसमुच्चय की संख्या छोड़ दो लिखना, अगर आप आदेश दो तो, या जी आपको मेरा आदेश चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़ दीजिए अभी ना लिखेंगे, ऐसे भी हम थोड़े लिखने वाले हैं। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको सारा का सारा लिखना है। इसमें कितना एलिमेंट है भैया जी, 1 एलिमेंट अर्थात 2 पावर 1, 2 हो गया, अर्थात इससे इस सेट में कितना उपसमुच्चय बनेगा भैया, 2 बनेगा, कौन कौन, 1 7 का बनेगा, 1 बनेगा रिक्त समुच्चय, बहुत अच्छे। इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी भैया, पता है आपको इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, अर्थात इसमें उपसमुच्चय की संख्या जो बनने वाली है वो 2 पावर 2 अर्थात 4 बनने वाली है। वाह ये सब आया ना मजेदार क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दोगे। इसमें कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ तो भैया जी, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये तो बेहतर क्वेश्चन, इसको छोड़ दूं क्या भैया, पता है आपको ऐसी बात ही नहीं करते ना, फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ मंथली कोस्ट, बीच में कछु ना है, बीच में कितना एलिमेंट है, 0 एलिमेंट, अर्थात एन का वैल्यू 0 हुआ, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, एन का वैल्यू 0 हो गया, अर्थात 2 पावर 0 अर्थात 1 हो गया, अर्थात फाई में कितना उपसमुच्चय हो सकता, तो 1 हो सकता है, वो उपसमुच्चय कौन होगा, खुद फाई ही होगा। भैया जी फाई खुद होगा, वाह कितना अच्छी बात है, हाँ ये अच्छा बात है। चलिए इसका देखिए नंबर ऑफ, ये हो गया ना, ये समझ में आया कैसे करते कैसे नहीं करते, इसको देखो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी भैया, पता है आपको इसमें कितना एलिमेंट है, उपसमुच्चयों की संख्या इसमें कितना एलिमेंट है वो जानो, 1 एलिमेंट हुआ 5, दूसरा एलिमेंट हुआ 2, 3 का सेट है, पूरा का पूरा 1 एलिमेंट ये है और 1 एलिमेंट ये है, अर्थात 2 एलिमेंट इस सेट के अंदर है, भले ही सेट के अंदर खुद सेट के रूप में एलिमेंट है, ठीक है, सेट के अंदर सेट के रूप में एलिमेंट है, लेकिन वो एक ही काउंट होगा, एक एक ये है एक ये, अर्थात 2 एलिमेंट है, 2 पावर 2 अर्थात 4 हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, इसका कितना होगा, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, 2 पावर 3, इसमें 2 एलिमेंट अर्थात 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 2, मेरे ख्याल से ये 7 से लेकर के आपका सारा का सारा क्वेश्चन खुद से बनेगा, ठीक है, या खुद से बनाओगे चेक करने वाला तेरा मतलब आपका भाई ही होगा। ओके चलिए इसके बाद हम लोग वो वाला क्वेश्चन जो सीख रहे थे बना रहे थे वो मैं बनाने के लिए देता आपको, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ओके पहले इसको बनाओगे आप खुद, ये बनना चाहिए आपसे। भैया जी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दोगे, देख रहे हो क्या,
भैया जी यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन लिख दिए हैं आप। हाँ अच्छा लगता है आपको, बताइए इतने सारे क्वेश्चन लिख देते हैं, गलत बात ना, अब इसको बनाना पड़ेगा, बनाइए जल्दी बनाइए, अगर क्वेश्चन अधिक लगे ना तो बोलना है, दो चार क्वेश्चन और दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए बनाना तो आपको ही है ना, बना तो मैं नहीं सकता ना, चलो जल्दी इसको बनाओगे, सारा सारा बना डालोगे, कुछ नहीं है इस सारे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो पहले बताओ इसमें मैं कौन सा बता दूं, भैया बताना तो आपको सब है क्योंकि आप मिलाओगे हम सही बनाए या गलत बनाए, चलो कोई नहीं मिलाते हैं। देखिएगा हमको सब का उपसमुच्चय लिखना है तो लिखते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या था दो, अच्छी भैया जी आपसे भी नहीं बनता क्या ये, अरे बनता है, 2.7 का उपसमुच्चय अर्थात सबस्टेट लिखना है हमको, तो लिखा जाए कौन कौन होगा। देखिए पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, ले लिए, फिर हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, ले लिए, फिर हम लोग कुछ डालेंगे, अर्थात इसमें मात्र मात्र 4 एलिमेंट हुआ। अच्छा इसमें कौन कौन है बताओगे आप, उचित समुच्चय कौन कौन है, प्रॉपर प्रॉपर सेट कौन है, उचित समुच्चय, मैं बार बार प्रॉपर सब सेट क्यों कहता बताओ, गलत बात ना, प्रॉपर सेट इसमें कौन है, उचित समुच्चय कौन है। तो आप बोलोगे भैया इसमें उचित समुच्चय है 2, 7 और ये डब्बा, हाँ जी 2 है 7 है और ये डब्बा है अर्थात उचित समुच्चय है। और इसमें जो है भैया जी एक बात और बताइए, इसके अंदर जो है अधि समुच्चय कौन है, सुपर सेट कौन है, अधि समुच्चय कौन है इसके अंदर, ये है 2, 7। वाओ और कुछ भैया बताए थे और कहा भैया कुछ आप बताते हैं। एक चीज और इसमें एकल समुच्चय कौन, ये बताओगे, एकल समुच्चय नाम से ही दिख रहा होगा आपको, एकल समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट होगा वो मेरा एकल समुच्चय कहलाएगा, अर्थात ये है और ये है, 2 है और 7 है एकल समुच्चय, 7 है और 2 है एकल समुच्चय, जिसमें एक एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो मेरा एकल समुच्चय कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगलेटॉन, सिंगलेटॉन सेट। नहीं समझ में आ रहा, अरे दिख नहीं रहा आपको, मैं लिख देता हूं, देखो सिंगलेटॉन, मेरे ख्याल से आप तो दिख रहा होगा बिल्कुल, भैया आप लिखेंगे और ना लिखेगा गलत बात क्या, अरे क्या हो रहा है, प्यारा से मेरा मार्कर है, ऐसा नहीं करना है ना आपको, समझ रहे हो, ध्यान रखो इसका उपसमुच्चय लिखना है, मैं सिर्फ अब उपसमुच्चय लिखूंगा, आपको ये खुद से डिटरमाइन करना है इसमें कौन कौन क्या होगा। देखो इसका उपसमुच्चय कौन कौन होने वाला, 7 होगा 8 होगा और 3 होगा, फिर ये आपका 7 8 होगा, फिर 7 3 होगा, फिर आपका 8 3 होगा, हाँ भैया फिर आपका 3 3 7 8 और 3 होगा। अब बताओ इसमें प्रॉपर सेट कौन है, उचित समुच्चय कौन है, इसको छोड़ करके बाकी सब मेरा उचित समुच्चय है, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के, एक और होगा ना डब्बा मतलब रिक्त समुच्चय, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब मेरा उचित समुच्चय होगा, ये मेरा अधि समुच्चय सुपर सेट होगा और 7 8 3 ये मेरा एकल समुच्चय सिंगलेटॉन सेट होगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, इसी तरह ये सारा का सारा बनाओगे, लेकिन एक मैं बता देता 2 नंबर, वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता, ठीक है, ये तो आपसे बन ही जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला, ठीक है, सेम इसी तरह बनने वाला। 5 का देखो 5 उपसमुच्चय, इसका उपसमुच्चय लिखना, 5 मतलब क्या होता, ये होता, इसका उपसमुच्चय क्या होगा, का उपसमुच्चय, या इसका उपसमुच्चय होगा खुद 5 होगा, अच्छा अर्थात ये 5 मेरा उपसमुच्चय है, ठीक है भैया जी। इसमें जो है आप बताओगे उचित समुच्चय कौन होगा, भैया उचित समुच्चय इससे छोटा कौन है, या इससे छोटा का हिसाब से छोटा यही है, इससे छोटा कैसे लिखा, मतलब कुछ भी भैया जी, हम प्राकृत संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से छोटा क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या होता ही नहीं है, प्राकृत संख्या एक से छोटा, अर्थात उचित समुच्चय नहीं होगा, इसमें नहीं होगा उचित समुच्चय, अधि समुच्चय यही हो जाएगा, अधि समुच्चय। देखो हमारे अक्षर पर यूं मोहित ना हो जाना, आपको अपना अक्षर बेहतर करना है, ठीक है। अगेन एकल समुच्चय नहीं होगा इसमें, सिर्फ उचित समुच्चय नहीं होगा, ये नहीं होगा, अधि समुच्चय होगा, बस एक होगा, और एकल समुच्चय तो भैया जी राम जाने इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई एक एलिमेंट है ही नहीं अंदर में। चलो ये आप खुद से बनाओगे, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, हल्का फुल्का क्वेश्चन लेंगे ज्यादा नहीं, उसके बाद हम लोग का सुपर टेस्ट, सुपर टेस्ट भैया जी सेल्फ टेस्ट, आज क्या ही बोल रहे हैं, सुपर टेस्ट प्रॉपर टेस्ट यहाँ ध्यान दोगे अच्छे से, ठीक है। मेरा इच्छा क्या कर रहा है आज, मैं आपको आज पावर सेट बता ही दो, क्यों, क्योंकि आप अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पर से आप पावर सेट को आज ही आसानी से सीख सकते हो। भैया जी ये क्या कह रहे हैं आप, आज इतना सेट ही बताया है ना, मेरा दिमाग सेट ही नहीं हो रहा कि हम किधर बैठ के पढ़ाई करें, खड़े खड़े पढ़ाई करें या बैठ के पढ़ाई करें या सो के पढ़ाई करें या पढ़ाई नहीं करें, यही सेट नहीं कर पा रहा मेरा दिमाग, बताइए आप और एक सेट बता रहे हैं,
देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मजाक मजाक भर ही होना चाहिए। अब देखो हम बात कर रहे हैं पावर सीट का, अब हम लोग पावर की बात करेंगे। इस पावर को सीट, मतलब पावर को सीट नहीं, पावर सीट पढ़ने के बाद आप खुद पावरफुल होने वाले हो, ठीक है। देखो कौन सा ये पावर सीट है, इसको हम लोग जो है ना पी से डिनोट करते हैं। अगर हमको किसी ए सेट का पावर सेट लिखना होगा तो हम लोग लिखने पावर सेट ऑफ ए, इस प्रकार लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देखोगे अच्छे ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। पहले मानो इसको भूल जाओ, अगर मैं हमको जो ये दिया हुआ हो ए बराबर एक दो तीन, ये दिया हुआ है, इसका हमको उपसमुच्चय लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे भैया जानते हैं, पहले जान लो इसका हिंदी क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश नहीं देखना है, घात समुच्चय होता है। चलो अब इसको भूल जाओ, अभी यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है, ये कुछ ना है, ये भी भूल जाओ, हम सिर्फ नाम आपके माइंड में फिट कर रहे थे कि पावर सेट क्या होता। उसके बाद अभी सब कुछ भूल जाओ, रिलैक्स हो जा। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे। हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एक दो और तीन एलिमेंट है। अभी तुरंत हम लोग सीखे भैया जी, कहा सिखाए हमको अभी आप, अभी तुरंत ने सिखाए हम भैया जी, क्या सिखाए, उप समुच्चय लिखना। तो ए का उप समुच्चय कौन होगा, तो ए का उप समुच्चय, ए का उप समुच्चय अर्थात सब सेट कौन कौन होगा, बताएगा बताएगा, जल्दी बताओ छोटे, कौन कौन उपसमुच्चय होगा भैया जी, इसके अंदर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, एक कोमा दो होगा, एक कोमा तीन होगा, और दो कोमा तीन होगा, इसके अलावा एक खाली जगह होगा, एक और एक कोमा दो कोमा तीन होगा, ये होगा आठ, हुआ दो दो चार दो छह दो आठ होगा, ठीक। इसमें से ये सारा सा मेरा कौन सा था भैया जी, ये सारा मेरा प्रॉपर सेट अर्थात उचित समुच्चय था, और ये मेरा अधिसमुच्चय सुपर सेट हुआ करता था, ठीक। एक बात जान लो, क्या अभी तक हम लोग यहीं तक सीखे, अब यहां पर क्या होगा जब एक ही समुच्चय का ही हम लोग एक समुच्चय बना लें, मतलब अभी तक क्या हम लोग देखते थे, ये सेट है ना, ये समुच्चय है ना, भैया जी जानते हैं एक बात, जब भी आप हमको समुच्चय और सेट अलग अलग बोलते हैं ना, हम कुछ देख रहे समझ ही नहीं पाते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनो एक बात, ये नई नई बातें हम आपको नया नया में ये होता है, ठीक है। अभी आपके सामने ये नया नया टॉपिक आ रहा है सेट समुच्चय, वो भी कभी मैं सेट कहता हूँ कभी समुच्चय कहता हूँ, आप थोड़ी देर के कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये आपके ऐसा नहीं कि आपके बस की बात नहीं, ये आपके ही बस की बात है, आप इसको समझ सकते हो, समझने का प्रयास करो। मान लो ये एक समुच्चय है अर्थात सेट है, इसके अंतर्गत हम लोग किस तरह का एलिमेंट डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, तीन डाल सकते हैं, चार एलिमेंट डाल सकते हैं। अब ना हम एलिमेंट ना डालो, हम सेट के अंदर सेट ही डालेंगे, अर्थात दो का सेट रखेंगे इसके अंदर, तीन का सेट रखेंगे इसके अंदर, चार का सेट रखेंगे इसके अंदर। जब हम लोग सेट को जो है एक जगह मतलब एकत्रित कर दें, जैसे यहाँ पर ए का ये पूरा का पूरा सबसेट हुआ करता था, जब हम लोग सबसेट को ही एक बंद डब्बे में डाल देंगे, एक बंद डब्बे में पूरे के पूरे इस सबसेट को ही इसके अंदर डाल देंगे, तो वो हमारा कहलाएगा घात समुच्चय। किसका घात समुच्चय बोलोगे तारीख, घात समुच्चय किसका घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय कहलाएगा। ए का घात समुच्चय क्या क्या कहलाएगा, जब इस पूरे को हम लोग एक डब्बे में बंद कर देंगे, अर्थात इस पूरे सबसेट का ही अगर सेट ले लेंगे, तब वो मेरा कहलाएगा घात समुच्चय। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे या अच्छा खाना अभी डकार आ रहा है, क्या खाना पीना खाना आपको, जा खाना खा लो, अगर परेशान हो रहे हो समझ में नहीं आ रहा, जा पहले खाना पीना खा लो, घूम फिर लो अच्छे से, माइंड फ्री कर लो, पानी नहीं पी लो, तब आप समझेंगे भी मेरे ख्याल से, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब देखो समझने का प्रयास करोगे, हम बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं, यहाँ पर एक उप समुच्चय दिया हुआ है, इसको हम लोग एक डब्बे में बंद करेंगे। अब डब्बे में बंद कर लेते हैं, एक को उठा लिए हाँ भैया, फिर दो को उठा लिए, तीन को उठा लिए हाँ, एक को मैं दो को उठा लेंगे, वाह भैया जी इस तरह ही करना था, अरे भैया जी यही क्या था, ये तो बच्चों वाली बातें थी। मतलब इन सारे उप समुच्चय का जो हम लोग एक समुच्चय तैयार करेंगे उसको हम लोग ए का घात समुच्चय कहेंगे। हाँ इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है पावर सेट ऑफ ए, दिखाने का ये तरीका है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ए हमको ये दिया हुआ है, अगर कभी ये बताना होगा पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो सिंपल सा ए का जितना भी उप समुच्चय होगा सबका हम लोग सेट तैयार कर लेंगे, तो पावर सेट ऑफ ए निकल जाएगा। मेरे ख्याल से अब मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करोगे। ए हमको दिया हुआ एक दो तीन, जो इसका उपसमुच्चय तैयार होगा उसका अगर सेट तैयार करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच्चय। एक बार मैं हिंदी में बोलता ध्यान से समझोगे, जो ए का समुच्चय है एक दो तीन, ठीक, इसी का अगर हम लोग समुच्चय तैयार कर लें, सॉरी उपसमुच्चय तैयार कर लें, इस समुच्चय का जो हम लोग उपसमुच्चय तैयार करेंगे उसका जो समुच्चय लेंगे उसको कहेंगे हम लोग घात समुच्चय। जानते हैं भैया एक बात, बातें हमको सब कुछ समझ में आ रही है लेकिन पढ़ने में मौन ना लगत है, क्या करें क्या करोगे इसके बारे में मैं क्या बताऊं। हाँ
अच्छा मैं बताऊंगा, मुझसे जो है ना कोचिंग में यही बात बोल के देखना, मैं बताऊंगा एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा पढ़ने का, ठीक है, सिर्फ बोल के देखना ये बात। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता घात समुच्चय पर बनाने के लिए, मेरे ख्याल से आप बना सकते हो, ठीक है, उम्मीद है आपसे। चलो बनाओगे कुछ, मैं देता हूँ बनाने के लिए। देखिए सर जी कैसे बनाना है, पहले सीखिएगा या पहले खुद से बना लीजिएगा? जानते भैया हम पहले खुद से बनाने में विश्वास रखते हैं। अच्छा लगा ना मुझे सुनकर कि आप खुद से बनाने में विश्वास रखते हो, लेकिन भैया जानते हैं 5 मिनट के बाद पहले आप बताइए ना, बस देख लेते हैं आप क्या बता रहे हैं। वैसे तो हम बना सकते हैं लेकिन फिर भी 5 मिनट के बाद भैया बनाएंगे, यहाँ ध्यान दो, 5 मिनट के बाद पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा, अब मिलाओगे आप। देखिए कैसे बनाना है, ए में जो है 1.2 एलिमेंट दिया हुआ है, अब इसका हमको घात समुच्चय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए का घात समुच्चय पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल सा हम लोग पहले 1 और 2 का उपसमुच्चय निकालेंगे, तो पहले सिंगल सिंगल लेंगे, फिर डबल लेंगे, बस फिर एक 5 बच गया, 5 मतलब देख समुच्चय ले लिए। इस सब का जो हम लोग समुच्चय लेंगे अर्थात सेट लेंगे उसी को हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच्चय। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर पावर सेट ऑफ बी, बी का घात समुच्चय कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम लोग उप समुच्चय निकालते हैं, तो सिंगल सिंगल लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग डबल डबल लेंगे, डबल लेते हैं 2.3 2.1, चीटी है क्या, तो कहां से क्या कुछ भी, हाँ रहने दो भैया भी आपके बहुत डरते हैं ना, सिंगल सिंगल ले लिए, हाँ जी 2.3 2.3 2.1 2.1, फिर 3.1 लेंगे, फिर ये क्या कर रहे हैं भैया, हाँ ऐसे पढ़ाइएगा पहले अच्छे से लिखिए, हाँ फिर क्या करना है, बच कौन गया 2.2.3.1 बच गया, और 5 बचा है क्या, हाँ भैया 5 ही बचा है। इस तरह इस सारे एलिमेंट को अगर हम लोग ब्रैकेट में, ब्रैकेट अर्थात मछली ब्रैकेट में बंद कर दिए तो वो मेरा पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा, बी का घात समुच्चय कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बना पाओगे, ये क्यों बनाओगे आप, नहीं ना आपको ये सब नहीं बनाना है, ये छोटा मोटा चीज आपको नहीं बनाना है, आपको यहाँ बनाना है। भैया ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप, हाँ ला भैया बहुत कुछ कर सकते हैं आज, बहुत 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 हंसी मजाक हो गया, उतना हंसी मजाक मैथ में नहीं करना चाहिए ना, अब आप 11th में पहुंच गए हो, अब भैया जो है अपने आदत से बाज आ ही नहीं रहे ना, कोई नहीं एडजस्ट करना सीख जाओ। चल मेरे ख्याल से ये सारा का सारा आप बना डालोगे, क्या कहीं कोई समस्या तो नहीं आने वाली ना भैया जी, हमें और समस्या ना भैया, समस्या तो समस्या देख के भाग जाती, अब 9 नंबर और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले हैं जो कि शायद आप नहीं बना पाओगे, ठीक है हमको ऐसा लगता है, अब बाकी राम जाने। ला 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 10 नंबर देखते हैं, ये एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस टी ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्यों कर रहे हैं भैया, 2.3 और 5 ले देते हैं, वाह अब मजा आएगा ना, देखते हैं 9 नंबर और 10 नंबर आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, सबका आपको पावर सेट तैयार करना है, मेरे ख्याल से आप बना पाओगे। चलो हम लोग अब यहाँ से एग्जाम स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ टेस्ट, फिर से इसमें जो है मात्र 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 30 क्वेश्चन ही होने वाला है, और 300 का 300 क्वेश्चन क्या होगा पता है, नहीं भैया जी सिंपल सा आपको जो है समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ रहेगा, आपको सीधा उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन नहीं रहने वाला, 300 का 300 क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन होने वाला। अगर आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो हम लोग रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप सीखेंगे, और पता है मैं अभी आपको रोस्टर फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट करवा रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कहीं ना कहीं आप जो है अभी आप उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हो जहां से आप रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने दिमाग का प्रयोग कर पाओ, अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, मुझे ऐसा फील होता, कोई नहीं एक दिन देखेंगे आपका टेस्ट लेकर के, कल ही देख लेंगे जिस पर समय मिलेगा तो, वरना कोई बात नहीं, यहाँ तो आपके सामने आईना तो रख ही रहे हैं, मतलब सेल्फ टेस्ट कुछ और नहीं, ये आपको परखने का ये चीज है, ठीक है, इसमें आपने आपको खुद से परखना प्रयास करोगे और फूल में फूल लाने का प्रयास करोगे। चलो हम लोग अपने कार्य पर आगे अग्रसर हो ही जाते हैं, क्या देखो अब शांतिपूर्वक आपको 30 क्वेश्चन तक इधर उधर की बातें नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चन देखना और बनाना है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आपको, बार बार ये मैं याद दिला रहा हूं, इन सारे सेल्फ टेस्ट को बनाने के बाद आप बिल्कुल घर में जरूर समय निकाल लेना बुक से 5 क्वेश्चन डेली बनाने का, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ छोटे, ठीक है, मेरी बात को इग्नोर मत करना, डेली आपको 5 क्वेश्चन बनाना है मैथ। चलो
अब हम लोग जो है 30 क्वेश्चन की तरफ बड़ी तेजी से अग्रसर होते हैं। अब बारी बारी से पहले आप खुद से ट्राई करोगे और मिलाना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है इस ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, ओके, और सारा एक्स जो है वो संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग जानते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब 2, 2 और 3 होता है, ठीक, क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, 3 होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेट में कोई भी दो नंबर रिपीट नहीं करता, अर्थात इस 2 के बदले में 1 ही 2 लिखेंगे। 2 और 3 जो है इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अगेन देखो बीन, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, एक्स के रूप में बी के अंदर एलिमेंट है, लेकिन वो कैसा एलिमेंट है जो हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अर्थात मेरा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। कैसे ये होगा समझने का प्रयास करोगे, स्क्वायर बराबर की उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर प्लस माइनस लगता है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर 9 का हम लोग रूट करेंगे और 9 का रूट प्लस माइनस 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल हम लोग सीखे हुए हैं 3 हुआ, तो प्लस माइनस 3, तो यहाँ से एक्स का मान प्लस 3 और माइनस 3 आ गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो रूट होता, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी आता। अगर यहाँ रहता कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर 3 ही लेते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि उसके बाद कुछ और भी कहा गया है क्या उसको समझना है। जैसे सी नंबर देखो, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बोला गया एक्स के रूप में एलिमेंट है सी के अंदर, और एक्स जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योगफल 8 है। अच्छा हम अंक लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक अंक का संख्या लिखे, इसे बताओ कि किसको किसको जोड़ने पर 8 होगा। तो भैया जी 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, ठीक, 0 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 और 7 को, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 और 6 को, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 और 5, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 और 4, यही संख्या हो सकता है। हाँ, लेकिन वो 2 अंक का होना चाहिए, बस इसी को बना डालेंगे। क्या 4 × 4 तो 44 हो गया, इसको पलटेंगे तो भी 44 होगा, ठीक, 35 बोल रहे हैं, 35 इसको पलट भी देंगे 53, जोड़ने पर 8 ही पूरेगा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो, ठीक। उसके बाद यहाँ 26, इसको पलटेंगे तो 62, जोड़ने पर तो 8 ही पूरा है, हाँ जी। फिर है 17, इसको पलट देंगे 71, जोड़ने पर तो 8 ही पूरा है। फिर है 08, इसको पलट देंगे 80, लेकिन यहाँ पर आप मिस्टेक करोगे क्या, 08 मेरा 2 अंक की संख्या नहीं है, वो 1 अंक की संख्या है, अर्थात इस 08 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम लोग 08 को नहीं लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात सी के अंदर ये सारा एलिमेंट मौजूद होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान पूर्वक। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि डी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, और एक्स मेरा कैसा संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पता है जिसका अपवर्तक 1 तथा स्वयं संख्या होता। अब संख्या 60, जो संख्या 60 का भाजक है, संख्या 60 का भाजक, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 30 हो गया, 15 हो गया, 3 5 हो गया था, 2 2 3 5 निकला, तो 2 3 5, एक ही संख्या को 2 बार लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, 2 3 5 इसका रिजल्ट रोस्टर फॉर्म हुआ, इस तरह हम लोग बनाएंगे। चलो और क्वेश्चन उतारते हैं, अभी लंबी मतलब लंबा दूरी तय करना हम लोग को, इसलिए फुर्ती लाओ अपने शरीर के अंदर, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, सबको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ही तो करना है और कुछ ना करना है। देखो इस शब्द का सभी अक्षर का समुच्चय करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना कोई वर्ड रिपीट ना करे, और कोमा लगाना है, टी लिखिए, टी लिख दिए, आर आई जी ओ एन ओ लिख दिए हैं, ठीक है, एम लिखे हैं नहीं, एम ई लिख दिए, नहीं ई नहीं लिखे, टी लिख दिए हैं, आर लिख दिए हैं, वाई नहीं लिखे, ये सब इसके अंदर एलिमेंट आएगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ध्यान रखना कोई रिपीट ना करे बस। चलो इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, पहले खुद से बनाना है तब जाकर के आपको मिलाना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ओके, यहाँ ध्यान दोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एन मेरा नेचुरल नंबर है, पहले ग्राफ में जाएंगे, एन नेचुरल नंबर लिख देंगे, उसके बाद बोला गया एन एक्स इक्वल टू 2 है, जो भी एक्स होगा वो एन में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्म में मेरा x होने वाला, अर्थात 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह मेरा एलिमेंट इसके अंदर होगा, डॉट 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 इसलिए दिया है क्योंकि ये इनफिनिटी टर्म तक आगे बढ़ेगा, ओके। अब b का मान निकालते हैं, b का मान, n मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह n है मेरा, और x किस प्रकार है, n स्क्वायर के फॉर्म में, x किस प्रकार है, जब n का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अर्थात x मेरा इस फॉर्म में निकल गया, लिखते हैं 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह मेरा निकला। बोला गया n का वैल्यू 1 और 10 के बीच में लेना है, 1 और 10 के बीच में यहां तक ले लेंगे, ठीक, 9 तक ले ली,
फिर बोला गया है इक्वल टू वन के साथ है तो वन तो लेना ही है, दस के साथ नहीं है तो दस यहाँ लिए भी नहीं है, ठीक है। इस तरह हम लोग को लेना था और हम लोग अच्छे ढंग से, कहीं कोई समस्या नहीं आया होगा हम लोग को, ओके। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा अर्थात वन टू स्मॉल एन थ्री फोर फाइव इस तरह चलेगा। एक्स किस प्रकार का एलिमेंट है, थ्री एन के रूप में, एन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन का टेबल बन जाएगा, तीन छह नौ बारह पंद्रह अठारह इस तरह का बन गया आपका। एन बोला गया है एक और पांच के बीच में लेना है, एक और पांच के बीच में सिर्फ तीन आया, छह की तरफ से हट जाएगा, सिर्फ तीन बचेगा, क्या बचा, सिर्फ तीन बचा, ओके। इस तरह आपको सोचना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है। मैं तो, मेरे पास तो बोर्ड है, आपके पास तो बोर्ड भी नहीं है, तो आपको दिमाग में ही सब कुछ सोचना होगा। ई बराबर क्या लेंगे, एक्स एच डेट एक्स के रूप में एलिमेंट है, लेकिन एन मेरा नेचुरल नंबर है, पहले एन लिख लेते हैं, वन टू थ्री फोर लिख लिए। फिर एक्स किस प्रकार है, टू पर पावर एन के रूप में है, एक्स किस प्रकार है, टू पर पावर एन, टू पर पावर वन टू हो गया, टू पर पावर टू फोर हो गया, टू पर पावर थ्री एट हो गया, टू पर पावर फोर चार दुनिया आठ, सोलह हुआ, ठीक है। इस तरह मैं एलिफेंट में बोल रहा हूँ, एलिमेंट जो है चलते चले चलते चले, अर्थात एक्स का रूप किस प्रकार है, टू है फोर है एट है सोलह है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, इस प्रकार का एलिमेंट चल रहा है। कहां से कहां तक लेना है, एक से छह के बीच में लेना है, एक से छह मतलब यही दोनों एलिमेंट आएगा, बाकी सब नहीं आएगा, बाकी सबको मिटा डालो। देखो किस प्रकार से बड़े आराम से हम लोग बना रहे हैं, ठीक। देख लो सेल्फ टेस्ट में किसी प्रकार का कोई मजाक मस्ती नहीं करना है, आपको बड़े धैर्यपूर्वक और शांति मन से बनाना है, ओके। देखो एफ का मान निकालते हैं, यहाँ पर क्या है, एन का मान नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ले लिए। फिर बोला गया है एक्स का मान पांच पे पावर एन के रूप में है, एक्स का मान जो है पांच पे पावर एन के रूप में है, इस रूप में इधर दिखता है आपको कोने में, हाँ दिखता तो है, चलो ठीक। यहाँ देखो पांच का पावर एक पांच हो गया, पांच का पावर दो पच्चीस हो गया, पांच का पावर तीन पांच पे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस हो गया, एक सौ पच्चीस पंचे छह सौ पच्चीस हो गया, इस तरह मेरा एलिमेंट चलते चलेगा। बोला गया एन का मान एक से, अरे ये क्या किया, झोल है झोल है झोल है झोल है झोल है, आठ नंबर नौ नंबर और दस नंबर हम लोग जो है हवाई में उड़ रहे थे, देखो कैसे। भैया जी ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, मेरे से ये कहीं बिठा दी, चलो कोई नहीं समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे। देखो एन का मान क्या लिए, नेचुरल नंबर लिए, एक दो तीन चार पांच इस तरह नेचुरल नंबर लिए। बोला गया एक्स का मान थ्री एन के रूप में है, एक्स का मान क्या है, थ्री एन के रूप में है, थ्री एन के रूप में एक्स का मान तीन छह नौ इस तरह मेरा चलेगा, तीन का टेबल चले गया। लेकिन बोला गया है एन का मान जो है हम एक से पांच के बीच में लेंगे, इस एन का मान ले रहे हैं एक से लेकर के कहां तक में, हम लोग कहां तक में पांच के बीच में दे रहे हैं, समझ रहे हो, एन का मान ले रहे हैं कहीं, ऐसे तो हम लोग वहां पर ही तो गलती नहीं कर रहे थे, एक बार देख लेना छोटे, ठीक है, गलती कर रहे होंगे उसको ठीक करना, वो काम नहीं करना है। देखो हम लोग कहां किस सदमे में चल रहे थे अभी तक, देखो एन का मान, इस एन का मान लेना है एक और पांच के बीच में, यहां से लेके यहां तक लेना है हमको, इसको लेके चलना था, और हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स का मान देख रहे थे, गलत बात। अब एन का मान हमको यहां से लेके यहां तक क्या रिजल्ट करना, वो देखो तीन पचे पंद्रह अर्थात पंद्रह तक हमको लेना है, तीन हुआ छह हुआ नौ हुआ बारह हुआ और पंद्रह हुआ, ये सारा एलिमेंट इसके अंतर्गत आएगा, समझ में आया। यहाँ भी देखो आप, ये आपका इसको भी देखते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, घबराना नहीं है इसमें, ठीक, मैं हम है ना सब संभाल लेंगे। यहाँ देखो एन का मान नेचुरल नंबर एक दो तीन चार पांच छह, अचानक दिमाग में आया ये बात, देखो एक्स बराबर टू एन है, एक्स का मान किस प्रकार है, टू पर पावर एन के रूप में है, ठीक। एन का मान कहां तक लेंगे, इस एन का मान लेंगे एक से छह के बीच में, एक से लेकर के छह के बीच में एन का मान ले रहे हैं, ठीक है, तो कहां तक लेंगे, देखो यहां तक हमको लेना है। अरे भैया जी मतलब कहां तक, एक्स का मान लिखो दो पर पावर एक, दो पर पावर दो, दो पर पावर तीन, दो पर पावर चार, दो पे पावर पांच, दो पे पावर छह, यहां तक लेंगे एक्स का मान, उसके बाद सीधा इसको घेर देना है। मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे हो, इसको देखो इसमें तो कोई बंदिश नहीं, इसमें बंदिश नहीं किया, यहाँ क्या कहा गया, एन का मान एक से लेकर दस तक लेना है, ये पांच छह सात आठ नौ दस इस तरह आते चलेगा, रुको फिर से देखो, समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। एन का मान कहां से कहां तक, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, दस नहीं लेना, दस में इक्वल टू नहीं, दस नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, एन स्क्वायर करना है, एन का स्क्वायर करेंगे अर्थात इसका स्क्वायर करना है हम लोग को, ठीक है, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर करते चलेंगे, लेकिन एन का वैल्यू एक से लेकर के नौ तक लेना है, इस बात को समझो, ठीक है, अर्थात हमको एक से लेकर नौ तक जाना है। क्या क्या आ गया, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब आप समझे होंगे,
चलो कोई नहीं, गलतियां होती है सीखने के लिए। मुझसे क्या हुआ, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए इस वर्ड पे, हम यहाँ पर समझ के चले एक्स का वैल्यू के रूप में, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता कभी कभी जो है ना, मैं खुद भटक जाता हूँ कभी कभी यहाँ पढ़ाने के चक्कर में, इस पे ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग और सिली मिस्टेक हो जाता है। तो उस पर आपको ज्यादा गौर नहीं करना, उससे सीख लेना है आपको, चलो यहाँ गलती हुआ, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। मैं भी सीख लूंगा कि आपके आपको पढ़ाते समय मेरा सारा ध्यान पढ़ाने पर रहे, इधर उधर ज्यादा कम ध्यान रहे, ठीक है ना। इस बात को मैं भी अपने ऊपर लागू करूंगा, आपको भी अपने ऊपर लागू करना है। यहाँ देखो एन का मान कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो समझना है आपको, ठीक। वैसे हम लोग सही लिखे हैं, देखो एन का मान एक से चार ही लेना था, एन का मान एक दो तीन चार ही लेना था, है ना, एक से लेकर चार यही तक हमको लेना था। और बोला गया पांच पावर एन के रूप में है, तो पांच पावर एक पांच, पांचवे पावर दो पच्चीस, पांचवे पावर तीन 125, पांचवे पावर चार 625। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो पावर के फॉर्म में ही आपको लिख देना था, 625 तक इसमें एलिमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप अब समझे होगे इस 7, 8, 9 और 10 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अगर यहाँ एक्स रहता ना तो जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे, अगर यहाँ एक्स रहता तब, लेकिन वहां पर एन है तो एन के रूप में लेते हुए हम लोग बनाएंगे। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। करत करत अभ्यास ते जर्मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। मैं कहता बार बार अपने आप को मेहनत करना है, मेहनत में झोंक दो अपने आप को, बस चलो बनाओ, मैं देता बनाने के लिए आपको बनाना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अच्छे ढंग से बनाना है हम लोग को, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे फिर आपको मिलाना है। चलो हम लोग मिलाते हैं, ध्यान से बनाना है आपको, पहले खुद से बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक। अब यहाँ देखोगे हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस एक्स में मतलब इस बी में जो है एक्स के रूप में एलिमेंट है, और एक्स मेरा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है भैया, पूर्णांक संख्या -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह चलेगा, इधर -2, -3 चलेगा, मतलब ये सब एलिमेंट पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता। लेकिन बोला गया इस दोनों के बीच में लेना है पूर्णांक संख्या। -1/2 का मतलब क्या हुआ भैया जी, और 9/2 का मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। 1/2 किसको कहते हैं, 1/2 0.5 को कहते हैं, 9/2 4.5 को कहते हैं। दशमलव में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो, अर्थात 1/2 हो गया 0.5, 9/2 हो गया 4.5, अर्थात -0.5 से 4.5 के बीच में लेना है। तो देखो तो -0.5 अर्थात यहाँ पर आपका -0.5 होगा, और 4.5 यहाँ पर होगा, 4 के जस्ट बाद यहाँ पर होगा, इस दोनों के बीच में 0 से लेके 4 तक है। तो वही सब संख्या मेरा पूर्णांक संख्या के इस रोस्टर फॉर्म में आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे देखो ना, -0 अर्थात -0.5 से बटा 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, और 4.5 से छोटा 4 तक हमको लेना है। बस सिंपल सा है तरीका, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आता संख्या रेखा आप बना के देख सकते हो। अगेन यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया एक्स के, एक्स जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। किस तरह का पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अर्थात पूर्णांक का मतलब क्या होता है, संख्या रेखा लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब एलिमेंट आता, -1, -2, -3, -4 सोचो तो किसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा या उसके बराबर आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। हमको क्या लेना है, 4 से कम लेना है, 4 से कम यहां तक, अर्थात ये सब संख्या लेना होगा, -1, -2, -0, 1, 2 ये सब संख्या लेना होगा। तो इसका हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक्स के रूप में ग्रुप लेना है ना, इस बात को समझो। -2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 होगा, ठीक। एक्स स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से कम होना चाहिए, इस बात को समझना है। अर्थात ये एक्स स्क्वायर का मान हुआ, ये एक्स का मान हुआ, और रोस्टर में एक्स का वैल्यू लिखना है, अर्थात नीचे वाला वैल्यू लिखना है, -2, -1, 0, 1 और 2 ये सब एलिमेंट मेरा सी में आ गया। एक एलिमेंट देखते कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें x के रूप में एलिमेंट है, और x मेरा एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, 6 का भाजक अभाज्य संख्या 2 और 3 आता, अर्थात एक के अंदर 2 और 3 एलिमेंट आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो सारी बातों को। इधर देखो 14 नंबर और 15 नंबर को ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको भली भांति सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 14 नंबर में देख रहे हैं हम लोग n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेंगे, ठीक है। और बोला क्या गया है x का वैल्यू किस प्रकार होगा, ये n का वैल्यू यहाँ पर कहा गया है तो हम लोग 6 तक ले लिए। x का मान कहा गया है जो ऊपर पे लेंगे उससे एक ज्यादा नीचे में लेना है, ऊपर में अगर एक लेंगे तो नीचे में एक ज्यादा 2 लेना होगा, ऊपर में यदि 2 लेंगे तो नीचे में एक ज्यादा 3 लेना होगा, ऊपर में यदि हम 3 लेंगे नीचे में एक ज्यादा 4 लेना होगा, इस तरह एलिमेंट लेना होगा। चलो हम लोग लेते हैं एन का मान 1 लेते हैं, 1/2, एन का मान 2, 2/3, एन का मान 3, 3/4, एन का मान 4 तो 4/5, एन का मान 5 तो 5/6, एन का मान 6 तो 6/7,
इस तरह एलिमेंट लेकर के हम लोग ए के अंदर का एलिमेंट लिख लिए बड़े ध्यान पूर्वक बड़े आसानी से हम लोग ये सब एलिमेंट लिख पा रहे हैं, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एन का मान जो है एक से लेकर चार तक लेना है, एक दो तीन चार, चार तक एलिमेंट ले लिए। अब बोला गया है क्या, जो संख्या नीचे लिखी है उससे एक ज्यादा ऊपर लिखना होता है। ठीक है, एन का मान एक लेते हैं, एन का मान एक, एन का मान दो, एन का मान तीन, एन का मान चार। पहले एन का मान ही हम लोग एक से लेकर चार तक लिख लिए, अब ऊपर एक ज्यादा लिखना, एक से एक ज्यादा दो हो गया, दो से एक ज्यादा तीन, तीन से एक ज्यादा चार, चार से एक ज्यादा पांच। बस इस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। चलो हम लोग और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, हल्दी हल्दी सारे क्वेश्चन को बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपको। ठीक है, अब देखो पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, फिर जाकर के आपको मेरा आंसर देखना है। यहाँ ध्यान दोगे, हमको एन का वैल्यू एक से लेकर तीन तक ही लेना है, एक दो तीन तक लेना है। अब बोला गया ऊपर में एन के रूप में रहेगा, पहले ऊपर का संख्या लिख लेंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे, एक दो तीन, तीन तक ले लिया एन का वैल्यू। अब नीचे में ऊपर वाले से तीन ज्यादा, ऊपर में एक है, एक में तीन जोड़ो चार, एक में तीन जोड़ो ठीक, दो में तीन जोड़ो पांच, तीन में तीन जोड़ो छह। इस प्रकार हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ देखो एन का वैल्यू कहां से कहां तक, हमको एक दो तीन चार, चार तक ही हमको एन का वैल्यू लेना है। तो जहां तक एन का वैल्यू है, यहाँ एन का वैल्यू है ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं, चार को लेना है, चार को हम लोग पहले लिख लिए। ऊपर में जो है एन का दोगुना लेना है, एन अगर एक है तो ऊपर में दो हो गया, एन अगर दो है तो ऊपर में चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया। इस तरह पहले ऊपर का संख्या लिख लिए, ऊपर से एक ज्यादा है, दो है ऊपर, नीचे में एक ज्यादा तीन हो जाएगा, ऊपर से एक ज्यादा है, चार है नीचे में पांच, छह सात आठ नौ, एक ज्यादा लिख लिए। इस तरह हम लोग है ना, टू एन प्लस वन, टू एन से एक ज्यादा है तो दो से एक ज्यादा तीन, चार से एक ज्यादा पांच। इस तरह हम लोग संख्या अर्थात रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ देखो सी नंबर बोला गया है कि एक्स, इसके अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, एक्स मेरा नेचुरल नंबर अर्थात वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह का एलिमेंट है। फिर बोला गया एक्स जो है एक्स जो है एक से बड़ा है, एक से बड़ा एक्स का मान है। फिर बोला गया एक्स जो है दो से छोटा है, दो से छोटा है एक्स का मान, लेकिन एक्स का वैल्यू एक के बराबर नहीं है, एक्स का वैल्यू एक के बराबर नहीं है, एक्स का वैल्यू दो के बराबर नहीं। तो सोचो तो एक्स का मान क्या होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकता। और तीन मेरा दो से छोटा नहीं है, चार मेरा दो से छोटा नहीं है, अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक बार फिर से सोचो, बहुत दिमाग लगने वाला है। ठीक है, बोला गया है एक्स का मान जो है एक से बड़ा है, एक्स का मान जो है एक से बड़ा, ये सब कुछ लेना है एक्स के मान में, लेकिन एक और दो नहीं लेना, एक और दो नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया गया है इक्वल का साइन नहीं लगाया गया। ठीक, और बोला गया एक्स का मान दो से कम है, दो से कम है, लेकिन एक और दो नहीं लेना। क्या तीन दो से कम है, नहीं है। क्या चार दो से कम है, नहीं है। क्या पांच दो से कम है, नहीं है। अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। डी के अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो का हल है, तो करते हैं एक्स का मान निकालते हैं रफ में, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ना, तो निकालो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर थ्री, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री। हम लोग जानते हैं रूट थ्री कैसी संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बोला गया एक्स एक अपरिमेय संख्या, लो मतलब एक्स का मान निकल रहा है अपरिमेय संख्या, और ये बोल रहा है क्या एक्स एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। परिमेय तो निकला ही नहीं ना, जो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे सब तो अपरिमेय निकल गया, प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। हमको तो अपरिमेय लिखना नहीं है, हमको तो परिमेय लिखना है। समझ में आ रहा, बिल्कुल सही। आज जो है ना हम लोग सेल्फ टेस्ट में जो है 30 क्वेश्चन ना करके 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं आपको। 20 में से जो है, क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो रहा है, ठीक है, 20 में से जो है आपको कम से कम 15 मार्क्स लाना है। ओके, चलो ई का वैल्यू लिखते हैं। ई का मान क्या होगा, ई के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, संख्या दो से बड़ी, एक सम अभाज संख्या है। जानते हो अभाज संख्या में सम अभाज संख्या सिर्फ एक ही है, वो है दो। दो से बड़ा सब मिला विषम अभाज संख्या है, अर्थात दो से बड़ा कोई सम अभाज संख्या है ही नहीं, अर्थात ई के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्विज लेने वाले हैं, और क्विज सात क्वेश्चन रहेगा, सातों क्वेश्चन आपको बनाना है ध्यानपूर्वक से। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक आप अपने क्विज के क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, क्विज में टोटल सात क्वेश्चन है और सातों क्वेश्चन आपको बनाना है। ये तीन क्वेश्चन का घात समुच्चय निकालना, अर्थात पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ सी निकालना, अर्थात पावर सेट आपको निकालना है। निम्न का उप समुच्चय, उचित समुच्चय, अधि समुच्चय, एकल समुच्चय, तीन चारों निकालना है आपको, जो कि हम लोग चारों सीखे हैं आज। फिर आपका छह नंबर क्वेश्चन में यहाँ बताना है यहाँ पर बिलोंग्स टू लगेगा या फिर सबसेट लगेगा, वो बताना है आपको। फिर पूर्णांक संख्या का परिभाषा लिखना, बस इतना सा क्वेश्चन है, अच्छे से बनाओगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद। ठीक।